हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट. स्टूडेंट, हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से. थेल्स थ्योरम से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, बीपीडी थ्योरम. और यहाँ पर हम दो चीज़ें स्टडी करेंगे. वन इज बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम एंड वन इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, राइट. तो बस इस बीपीडी थ्योरम में आप देखिए, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल गिवन है. बीपीडी थ्योरम क्या होती है पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए. देखिए, अगर कोई भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कोई भी एक लाइन अगर ये पैरेलल है थर्ड साइड से, ठीक है, तो ये जो लाइन इस साइड्स को जो इंटरसेक्ट करेगी, तो इसके जो रेशियो होगा दैट रेशियो विल बी इक्वल टू ईच अदर. मीनिंग इज दैट अगर आप ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है, तो बाय बीपीडी थ्योरम इट इज स्टेट दैट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी. इट इज द रिजल्ट ऑफ बीपीडी थ्योरम, ठीक है. अब इसको हमें प्रूफ करना है. तो प्रूफ में क्लास मैंने क्या किया है, प्रूविंग में पूरी लैंग्वेज क्लास मैंने यहाँ पर लिखा है. उस लैंग्वेज में लिखा गया है कि इस ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जो कोई भी थर्ड कोई भी लाइन अगर वो थर्ड साइड से पैरेलल है, तो वो दोनों मतलब साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी. ये बात आपको यहाँ प्रूफ करना है. तो आप इसकी प्रूविंग के लिए क्लास देखिए. पहले आप फाइंड आउट करिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी. अब एडी का एरिया अगर आप देखते हैं एल ई, एक एल्टीट्यूड है. अब देखिए, इसका बेस आप लेंगे एडी और हाइट आप लेंगे एल ई, तो आंसर आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला. 1/2 बेस इंटू एल ई इज द हाइट, राइट. नंबर वन थिंग. नंबर टू, अब आप एरिया फाइंड आउट करिए बी डी ई का, एरिया ऑफ बी डी ई. तो बी डी ई में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल आप लेंगे बी डी ई और जो इसकी हाइट लाइन तो स्ट्रेट है, इसकी हाइट आप लेंगे एन ई, ठीक है, और बेस आप लेंगे बी डी. तो 1/2 बी डी इंटू एन ई, एक पार्ट हो गया. जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट वैल्यू इज एडी अपॉन बी डी. एन ई कैंसिल, 1/2 कैंसिल, राइट. तो 1/AD अपॉन बी डी आ रहा है. नेक्स्ट, अब आप देखेंगे, अब आप एडी तो ऑलरेडी नोन है, अब एडी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे इधर से फ्रॉम दिस साइड. तो आप बेस आप लेंगे ए और आप हाइट आप लेंगे एम डी, ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2, इसका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा ए ई इंटू एम डी. एंड नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी. अब डी ई सी का एरिया में आप देखो ये इसका बेस ई सी है, राइट, और जो इस ट्रायंगल की हाइट है वो एम डी है. तो आप एम डी हाइट लेंगे और बेस आप लेंगे ई सी, तो आंसर आपका हो जाएगा डी ई सी. डी ई सी दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट ई सी इनटू एम डी. जब हम डिवाइड करेंगे दोनों को तो 1/2 कैंसिल, एम डी एंड दैट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. अब हमें चेक करना है क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है, एडी अपॉन बी डी एंड एडी अपॉन डी सी. तो क्लास आप देखिए, यहाँ पर हमें गिवन है कि लाइन जो है वो पैरेलल है थर्ड साइड से. तो अगर सेम बेस ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल अगर दो ट्रायंगल फॉर्म, तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना. और तो देखिए ये साइड इस साइड के पैरेलल, राइट, यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है डी सी डी ई एन सी, और एक फॉर्म जो आपका हो रहा है बी डी. तो एरिया ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल इफ टू ट्रायंगल्स आर फॉर्मिंग, सो एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल विल बी सेम. तो यहां पर अगर आप लेते हैं एरिया ऑफ डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी ई, तो क्लास जो इसका रिजल्ट आपको फॉर्म मिलेगा, तो अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी ई सी, राइट. हेंस वी कैन से आपके साथ अगर ये दोनों का एरिया इक्वल है तो आप क्या मिलेगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ए ई अपॉन ई सी इट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ पीपीटी. दस ये आपकी होती है हैंस प्रूफ, थ्योरम इज हैंस प्रूफ, इट इज पीपीटी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थेल्स थ्योरम. दस इसका कन्वर्स भी होता है. अब कन्वर्स ये है कि अगर ये इसका रेशियो इक्वल है
तो जो लाइन इसको डिसेंड कर रही है वो लाइन थर्ड साइड से पैरेलल होगी, इट इज द कन्वर्स ऑफ पीपीटी पीपीटी बेसिक क्वेश्चन थ्योरम। प्लस द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 6.2, प्लस ये ट्राइंगल है इसमें गिवन है, आपको ये मेंशन है कि द गिवन पार्ट इज DE इज पैरेलल टू BC, अगर आप ये लाइन अगर BC से पैरेलल है तो फ्रॉम द पीपीटी थ्योरम फ्रॉम पीपीटी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम वी कैन से दैट इन ट्राइंगल, देखिए आप पीपीटी किस किस ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं आपको वो ट्रायंगल में मेंशन करना होगा, इन ट्रायंगल एबीसी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, राइट, आपको इसी क्लास फाइंड आउट करना है, इसमें सब चीजें इसमें मेंशन है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल सा, इसमें प्रूविंग प्रॉब्लम आपको मेनली प्रूविंग प्रॉब्लम करना है। तो अब और जैसे कि मैंने बताया आपको ये चीजें आपको एमसीक्यू प्रॉब्लम में भी आ सकती हैं, अगर कोई फिगर मेंशन है या कोई भी चीज फाइंड आउट करना है तो वहां पर फोर ऑप्शन गिवन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी फाइंड आउट कर लेंगे, एडी इज 1.5, बीडी इज 3 एंड एई इज 1 एंड ईसी 2 भी फाइंड आउट बाय क्रॉस, इट इज 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई एसी इज 2 सेंटीमीटर, इट इज द आंसर, ओके। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी आप कर सकते हैं, वो भी सेम फिगर पर बेस्ड है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चेक करना है कि क्या EF या QR के पैरेलल है या नहीं है, तो इट इज वी कैन से बाय द कन्वर्स ऑफ पीपीटी थ्योरम। अब यहां पर हम चेक करेंगे PE अपॉन EQ डज इज इक्वल टू PF अपॉन एफ आर और नॉट, राइट। तो पीई आपका 3 है, इक्यू 3.9 है पी और इक्यू इज 3 एंड पी एफ इज 3.6 एंड 2.4, प्लस ये हो जाएगा आपका 1.3 अपॉन 1 एंड यहां पर आप उसको आपको कर सकते हैं 3/13, ठीक है 1/13/10 आ गया, और इसको आप डिवाइड करो 8 से करिए या 4 से 4 9/6, इट इज 3/2, बस दोनों चीज अनइक्वल है, ठीक है, यहाँ पर इट इज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है, हेंस EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है, इट डज नॉट पैरेलल टू QR, क्योंकि ये दोनों के जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, इट इज बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ पीपीटी थ्योरम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, राइट, इट इज आंसर। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर गिवन है, इस फिगर में गिवन ये है कि इसमें LM इज पैरेलल टू BC है और LN इज पैरेलल टू CD, प्रूफ करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए पहले यहां पर हम PPT थ्योरम यूज करेंगे सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल में, तो प्रूविंग द क्लास इसका प्रूफ ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ALB और गिवन ये है कि LM जो है वो BC से पैरेलल है, तो यहाँ पर आप पीपीटी थ्योरम से क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, वी विल गेट हियर AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, राइट, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड फ्रॉम थियर्स थ्योरम and in triangle ADC AN upon ND is equal to AL upon LC, it is also from Thales theorem. So now we can say from 1 and 2 from equation 1
and 2 we can say a upon mb is equal to an upon nd, right? अब आपको प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी प्रूफ करना है, बस यहाँ पर हम प्लस वन करेंगे बोथ साइड, ए एम अपॉन एम बी प्लस वन एंड ए एन अपॉन एन डी प्लस वन, तो क्या मिलेगा ए एम प्लस एम बी। अच्छा अब आपको ए एम अपॉन एम बी, तो यहाँ पर प्लस आपको एक्चुअली आ जाएगा अब या तो अगर आप देखिए अब आपको ए बी प्रूफ करना है, मतलब आपको ए एम में एम बी प्रूफ एम बी एड करके और ए बी का रिजल्ट लाना है और अपॉन ए एम प्रूफ करना है, तो आप यहां पर इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप दोनों साइड्स में इक्वल पर अगर आप ऐड करते हैं यहाँ पर तो आपका आ जाएगा ए एम ए एम प्लस एम बी, मतलब ए बी अपॉन एम बी आएगा एंड ए डी अपॉन एन डी आएगा, ठीक है ए डी, और आपको लाना है एन अपॉन एन डी, तो आपको एन वाले पार्ट को लाना है, तो इसके लिए अगर आप माइनस करेंगे तब तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है बाद में इसको आप उसे कर सकते हैं, आप कर देंगे रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल के बाद फिर आप माइनस कर सकते हो भी आपका आंसर आ सकता है, तो क्लास ये आपका आ गया ए एम प्लस एम बी अपॉन एम बी। चल ऐसे करते हैं पहले आप इसे कर लीजिए, यहाँ पर आप करिए आप इसे कर रहे हो रेसिप्रोकल, हम इसे करते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में आपको मिलेगा एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन एन, अब आप करिए प्लस वन एंड प्लस, अब दोनों साइड आप प्लस करो, ठीक है तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक्चुअली क्लास एक टॉपिक है, जैसे आप देखते हैं रेसिप्रोकल, तो अब जैसे मैंने यहाँ पर किया रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों रेशियोज को मैंने कर दिया रेसिप्रोकल, इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि आप यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्टेंडो, जैसे इनवर्टेंडो ऑल्टरनेंडो कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसे प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम प्रोपोर्शन पर यूज करते हैं, ठीक है तो यहाँ पर एक्चुअली रेसिप्रोकल नहीं, तो यहाँ मैं लिख सकता था अप्लाई इनवर्टेंडो, बट आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि इनवर्टेंडो क्या है, तो इनवर्टेंडो का मतलब ये होता है कि आप पूरे ही जो प्रोपोर्शन होता है उसको आप इन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है तो अब यहाँ पर आपने कर दिया रेसिप्रोकल बाय रेसिप्रोकल, तभी मीनिंग इसका सही है, तो अब यहाँ पर जब प्लस वन करेंगे तो ए एम प्लस एम बी अपॉन ए एम, और यहां पर आएगा ए एन प्लस एन डी अपॉन ए एम, राइट नाउ वी गेटिंग ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन, ठीक है क्लास ये हमारा रिजल्ट है। अच्छा अब इसे आप इसे फिर से करना पड़ेगा आपको इनवर्टेंडो, अगर आप फिर से आप करेंगे इनवर्टेंडो करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या इनवर्टेंडो कर ले, तो इनवर्टेंडो करने पर फिर से हमें आंसर आ जाएगा, अगर हम फिर से इसे करेंगे रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी इट इज नाउ हेंसफोर्थ। देखिए क्लास एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर खाली आपको पीपीटी थ्योरम ही अप्लाई करना है, पीपीटी थ्योरम में आपको प्लस वन करना है माइनस वन करना है कहीं पर कुछ भी एज पर द रिक्वायरमेंट हम आप वर्किंग करते हैं। अब ऐसा कोई और वे भी हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ कि आपको यही भी यही एक्चुअल है, और वे भी हो सकता है कि यहाँ पर आप अगर आप जब आप स्टडी करेंगे सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी को भी यहाँ पर हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक क्लास तो ये क्लास आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। इन क्वेश्चन नंबर फोर देखिए यहाँ पर गिवन ये है कि जो डीएफ है वो पैरेलल है एई के, और ये जो डी है ये पैरेलल है एसी के, बहुत ही इजी वे है आपको दो बार पीपीटी थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करना है। प्रूविंग द क्लास देखिए डीएफ इज पैरेलल टू एसी, क्या क्या आ सकता है हमारे पास, जब डीएफ पैरेलल है और डीएफ इज पैरेलल टू डीई एंड क्लास डीई होगा, सॉरी
डीएफ होगा ठीक है। तो अब ये जब डीएफ पैरेलल है एसी के, तो अब आपको लेना पड़ेगा कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी और डीएफ पैरेलल है तो ये हो जाएगा बीएफ अपॉन एफसी इज इक्वल टू डीई होगा डीई इज पैरेलल टू ये जो लाइन है आपकी डीई इज पैरेलल टू इस तो डीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी ए क्वेश्चन नंबर वन एंड डीई इज डीएफ इज पैरेलल टू ई तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ई एंड ए बी ए डीएफ इज पैरेलल टू ई तो ये हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू सॉरी ये बी डी होगा क्लास बी डी अपॉन डी ए बी डी अपॉन डी ए क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू BE अपॉन EC सी इन दोनों की वैल्यू क्या इक्वल होगी तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE एंड इट इज अ रिक्वायरमेंट क्लास हैज प्रूफ हेंस प्रूफ इट इज आंसर।